नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की। बिलासपुर में फिर चला बुलडोजर, सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। सनीचरी बाजार में निगम की कार्रवाई, जहां लोगों की शिकायत पर निगम ने एक्शन लिया है और इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन का एक बार फिर से बुलडोजर चला है। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर फिर चला बुलडोजर, सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। शनिचरी बाजार में निगम की कार्रवाई, जहां लोगों की शिकायत पर निगम ने कार्रवाई की है और सड़क पर जिस तरीके से लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था, अपनी दुकानों को आगे बढ़ाकर लगा रहे थे, कच्ची पहले रेहड़ी लगाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसे पक्का करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान जो आसपास निकल रहे लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़क बहुत सकरी हो जाती है और इस वजह से दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। इस पूरे मामले में लगातार लोग शिकायत कर रहे थे और अब निगम प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है, जहां पर अपनी जमीन से आगे बढ़कर जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है उसे तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। पहले से ही सूचना दी गई थी, हालांकि इस दौरान थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति भी बनी थी, लेकिन मामले में संज्ञान लेते हुए निगम प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध तरीके से बनाए गए झोपड़ी नुमा जो टेंट हैं या आगे बढ़ाकर जिन लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी थी उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। और संवाददाता उमेश मौर्य जुड़े हैं। उमेश, लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, उसके बाद निगम प्रशासन ने एक्शन लिया है? रूप से रेणु जी, देखिए जो बिलासपुर सनीचरी जो है वो सबसे व्यस्तम मार्ग है। यहाँ पर पिछले 15-16 सालों से जो दुकानदार है वो सड़क पर बेजा कब्जा कर अपनी दुकानों को सामान जो दुकान में सामान रखा होता है वो सड़कों पर रख देते हैं, जिससे पूरी तरीके से जो आवागमन रहता है वो पूरी तरीके से बाधित रहता है। ऐसे में लगातार वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर जो लगातार अतिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से जो सड़क पर जाम लगने की स्थिति निर्मित होती है उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज भी निगम की कार्रवाई में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि ये शिकायत लगातार निगम को मिल रही थी कि वहां पर यातायात पूरी तरीके से बाधित होता है, जो दुकानदार है वो अपने सामानों को बाहर रख देते हैं, फिर वो धीरे से उसी दुकान को पक्के में तब्दील कर देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित रहता है, क्योंकि यातायात विभाग और नगर निगम दोनों संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो यातायात है वो सुगम हो सके। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई निगम की देखने को मिली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटा दिया गया है। वही रायपुर में युवक ने उत्पात मचाया, एक दर्जन दुकानों में की तोड़फोड़, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बोरिया कला इलाके की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर युवक ने जमकर उत्पात मचाया है, एक दर्जन दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बोरिया कला इलाके की ये पूरी घटना बताई गई है। तो देखिए उत्पात के दौरान किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और इस तोड़फोड़ में जो काउंटर है उसके शीशे तोड़ दिए गए, कई सामानों को अस्त व्यस्त कर दिया गया, सामान फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया, लोगों ने इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बोरिया कला इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, क्या है ये पूरा विवाद? देखिए रेणू, एक युवक है, आपसी रंजिश बताया जा रहा है और अचानक जो लोहे से फरसा ये बनवाया हुआ था उसको लेकर के अचानक पहुंचा और एक दर्जन से अधिक दुकानों पे जो कांच शीशे लगे हुए थे उस पर तोड़फोड़ की है। एक कॉम्प्लेक्स में जो दुकान था उस पर तोड़फोड़ की और इस तरह से वो उत्पात मचा रहा था। आस पास के जो दुकानदार है, जो लोग हैं, उन्होंने उसको पकड़ा है और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस इस पर अब कार्रवाई कर रही है और क्या रही है विवाद की जगह, आखिर क्यों इस तरह से युवक ने किया है उसकी जांच है की जा रही है। लेकिन ये तय है कि इस तरह से दुकानों पर घुस करके तोड़फोड़ करना एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है और हालांकि पुलिस ने अभी उससे युवक को पकड़ा है, कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही, लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है।
बिलासपुर में बार में बाउंसर और युवकों में विवाद हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शराब की बोतलें और कुर्सी फेंकी गई, बार के अंदर मारपीट हुई थी। देर रात तक शराब परोसे जाने को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां बार में बाउंसर और युवकों में जमकर विवाद हो गया। घटना का सीसीटीवी इस दौरान सामने आया है, फुटेज सामने आया जहां शराब की बोतलें और कुर्सी फेंकी गई हैं। बार के अंदर मारपीट हुई, देर रात तक शराब परोसे जाने को लेकर पुलिस भी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। रात्रि 11:30 बजे करीब बार के पास कुछ लड़कों में आपसी वाद विवाद हुआ, जिसके कारण उनके बीच लड़ाइयां हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और किनके द्वारा मारपीट की गई इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कवर्धा से, जहां नगर पंचायत पिपरियों में कांग्रेस को बड़ा झटका, अविश्वास प्रस्ताव में मिली हार। बीजेपी पार्षदों ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव, बीजेपी के पक्ष में पड़े 11 वोट, कांग्रेस के पक्ष में 4 वोट पड़े हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी इस दौरान चली गई। तो खबर कवर्धा से आपको दे रहे हैं, जहां नगर पंचायत पिपरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, अविश्वास प्रस्ताव में हार मिली। बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जहां बीजेपी के पक्ष में 11 वोट पड़े, कांग्रेस के पक्ष में 4 वोट पड़े। नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी दौरान चली गई। संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए, नगर पंचायत पिपरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो कांग्रेसी पार्षद है उनमें भी फूट की स्थिति देखी जा रही है लगातार। दूसरा ये नगर पंचायत है जहां भाजपा को सफलता मिली है, क्योंकि कांग्रेसी आपस में उनकी लड़ाई और गुटबाजी का फायदा उठाती नजर आ रही है। इससे पहले पंडिती नगर पंचायत में भी कांग्रेस के बहुमत होने के बाद भी कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा का साथ देते हुए अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा दिया था। वही स्थिति नगर पंचायत पिपरिया में भी देखने को मिली है। वहां भी कांग्रेस बहुमत में होने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव में है और अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मनीष। तो इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव के चलते कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और जो कुर्सी है वो कांग्रेस को गंवानी पड़ी। बलौदाबाजार में ऑनलाइन ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूएस डॉलर का झांसा देकर 12,34,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को राजकिशोर नगर बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। ठगी की रकम भी आरोपी से बरामद कर ली गई है। आरोपी से ऑनलाइन ऐप के जरिए ये आरोपी ठगी की वारदातों को अंजाम देता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्ला के द्वारा जो है इनको जो है 12,34,500 रुपए का जो है इंडियन करेंसी से जो है यूएसडीटी अवेलेबल कराने की बात कहते हुए जो है अपने खाते में जो है 12,34,500 रुपए जो है लिया गया और उक्त टीम के द्वारा जो है विपुल शुक्ला को जो है पकड़कर जो है पूछताछ किया गया, जिसमें उसने जो है उक्त घटना को जो है तारीफ करना स्वीकार किया गया है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, 12,34,000 ठगी, यूएस डॉलर का लालच देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था, किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ये जो आरोपी है उसके द्वारा यूनाइटेड स्टेट डॉलर यूएसडी इसका जो इसके एवज में जो रकम है वो डबल होता है, ऐसा करके वो झांसा देकर लगभग 12,34,000 की रकम की जो प्रार्थी उसके साथ ठगी हुई थी। ये जो है बिलासपुर के किसी को पैसे दे चुके थे, उसके बाद जब पैसे डबल नहीं हुए तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। तब पुलिस ने जो ऑनलाइन जो माध्यम होता है, जो ऐप होता है, उसके माध्यम से जब आरोपी द्वारा पैसे को लेकर इसे ठगी की गई थी, उस ऐप के माध्यम से पुलिस ने उसको रोका। साइबर के जो माध्यम है उनके माध्यम से जो रकम उसमें जा रही थी वो 50,000 जिसके में पहुंच चुकी थी, 50,000 रकम को वापस की और बाकी जो रकम है ऑनलाइन के माध्यम से अभी भी लाई जा रही है, कुछ भी रकम है। हालांकि पुलिस ने अपील किया कि जो ऑनलाइन ठग है, ऑनलाइन फ्रॉड है और जो ऑनलाइन एप्स है, इनके माध्यम से किसी भी तरह की जो पैसे की बात आती है, पैसा डबल करने की, उस पर लोगों को अपील करने की बात कही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। जगदलपुर में दो